तो जी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जिसे हम UAF कहते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस नो अबाउट दैट, वहाँ पे मैं टेस्ट के सिलसिले में गई और जो मुझ पे बीती आज उसी की आप बीती आपको सुनाने वाली हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बहुत देखी है लेकिन UAF का जो एक्सपीरियंस है ना नेक्स्ट लेवल। तो जी हमारा सफर स्टार्ट होता तकरीबन सुबह के 7 बजे से, व्हेन आई वाज रेडी एंड आई वाज गेटिंग रियली एक्साइटेड एक्साइटेड कि कुछ खादा भी नहीं गया उधर चक्करां च, बगैर सही से नाश्ता किए भी अल्लाह का नाम लेके आखिरकार घर से निकल गए। अभी पहले तो हमें थोड़ा सा गाड़ी में वेट करना पड़ा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा सफर स्टार्ट हो गया। और मैं भी आप लोगों को ये बात ना बताओ लेकिन जब भी मैं सफर कर रही होती हूँ ना तो पता नहीं कौन कौन से स्टोरीज निकाल के मैं उन पर गौर फिक्र करने लग जाती हूँ विदाउट एनी पर्पस। पर हाँ एक और बार, पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या नहीं लेकिन जब मैं टूर प्लाजा के पास से गुजरती हूँ ना पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है। मतलब ये हर बंदे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होती हैं लेकिन मैं ना पता नहीं क्यों अच्छा लगता, बस जिंदा दिल लोगों की निशानी है, की कह सकते हैं जस्ट करें। अब इतनी देर सफर कर करके आखिरकार अब फैसलाबाद पहुंच गए। एंड आई नो कि हर किसी के डिफरेंट ओपिनियंस हैं हर सिटी के बारे में, मतलब हर सिटी की अपनी एक वैल्यू है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन लोर लोर है सॉरी टू से दैट, लेकिन जो है सो है। ओके जी तो वहां पहुंच के हमने रिक्शा लिया लेकिन जो अंकल थे हमारे रिक्शे वाले मुजाला भी थोड़ी देर वास्ते चुप हुए हों लेकिन अल्लाह पर लग रहे होना था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी तक पहुंचाता। मे भी यहाँ पहुंच के आपको लग रहा होगा कि जी अब स्टोरी एंड हो गई है, भाई यहीं से तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। पता की होया मैं छेती नहीं छेती छेती जी निकली हूँ, मैं भुल गई कैलकुलेटर तो हूँ मैं लैन चली हाँ, हो कि थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इतने शोर काफ़ी है पर जस्ट लाइक ट्राइंग। तुम कह सकते हो कि लास्ट अब जी मैं रिलैक्स ना टेस्ट इस पर मैंने इन्ना सफर पड़ी है। अब तकरीबन 2 घंटे टेस्ट को लगे और फाइनली टेस्ट भी हो गया। अब यहाँ पे पता क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट्स मेरे सामने से गुजर रहे थे क्योंकि भाई टेस्ट तो उनका भी मेरे साथ ही खत्म हुआ है लेकिन मैं समझ नहीं सी आ रही मैं कहाँ की। फिर मैंने डिसाइड ये किया कि भाई चलते हैं। मार लिया मैं मार का टेस्ट था ना, मैं थोड़ा बाद च दस दी आई डोंट नो लाइक व्हाई पंजाबी इज कमिंग आउट ऑफ माय टंग बट MCQ एग्जाम्स प्रिपेयर करने थे ना वहाँ से हाफ MCQ जस्ट प्रिपेयर किए हैं और टेस्ट के दौरान मतलब अपना कैलकुलेटर भी भूल गई थी और थोड़ी नर्वस हो गई लेकिन अलहमदिल्ला टेस्ट अच्छा हुआ है तो उन्हें तीन तरह मैं हैप्पी फॉर। ये जो है ना मेरे चेहरे पे जाहिर हो रही है, मतलब आप लोगों को चेहरा तो नहीं करना नजर आ रहा लेकिन जाहिर हो रही है भी। अब टेस्ट तो खत्म हो गया था लेकिन मुझे याद आया कि मैंने अपने फ्रेंड को कुरान पाक भी देना है क्योंकि लास्ट टाइम उनका कुरान पाक हमारे घर में रह गया था व्हेन वी शिफ्टेड फ्रॉम आवर हॉस्टल। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चले वो दे देते हैं। अच्छा मैं इस यूनिवर्सिटी पर से बुराई नहीं करना चाहती, अच्छी है पर यह चलना बहुत पड़ता है यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इट वॉज पॉसिबल तो मैं तो टैर वाले बूट ही ला लेंगी कसमें, इतने जो क्लासेस लैनिया पै गई मैं तो फिर बस फिर चलन जोगी रह रहा तो मैं खाँदी नहीं यार कि लग जाना। आई थिंक दिस वन इज फार्मेसी डिपार्टमेंट। फिर ही है ना मेरे सारे मतलब ना एनर्जी बिल्कुल जीरो तो चली गई है। पंजाबी स्पीकिंग लॉर एक्चुअली आई वॉज सपोज टू टॉक पंजाबी बट असल में पता मेरी मात मर गई है, बस हुई पड़ी है मेरी सुबह से फिर के। अब घूम फिर के वहीं पे पहुंच गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था एंड हियर इज द मेन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। थिंक के मैं बस मिल गई थी उसकी वजह से थोड़ा बच बचा हो गया था माशाल्लाह तो निकली है सारी एनर्जी, इतना मैं खा के आई नाश्ता वगैरह सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। भाई आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में आई रियली सैल्यूट ऑल ऑफ यू गाइस, इसलिए आप लोगों की हिम्मत है कि लोग इतना चलते हैं। अभी थक हार के यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हैं और रिक्शा लिया है और इस बार जो रिक्शे वाले अंकल थे वो थोड़े खामोश तबीयत के मालिक थे और हमने फिर सफर स्टार्ट किया। और रिक्शे में वीडियो बनाना सबसे मुश्किल टास्क होता है वो तो आप हालत से देख रहे हैं, बट स्टिल ट्रैवलिंग इज अ पैशन एंड नथिंग कैन चेंज। अब यहाँ पे फिर हमने बस ली है और वापसी का सफर शुरू हुआ है और ये फिर आ गया टूर प्लाजा VIP माहौल। नहीं वैसे मजाक कर रही हूँ लेकिन पता नहीं वैसे मुझे सच्ची अच्छा लगा। सो फाइनली वी रीच्ड आवर सिटी बट वन थिंग आई नो दैट जगह से फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पता होना चाहिए कि हाउ टू एंजॉय एवरी मोमेंट बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ यू नो हाउ टू लिव इट।